जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। नॉर्थ 24 परगना में छापेमारी के दौरान ईडी की टीम पर हमला, राशन घोटाले केस की जांच के लिए पहुंचे थे अधिकारी, टीएमसी लीडर शेख शाहजहां के घर पर चल रही थी रेड। नॉर्थ 24 परगना में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर निशाना, कहा पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या राज में क्यों हो रहा है कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़। ईडी पर हुए हमले को लेकर टीएमसी का बयान, कहा ईडी ने स्थानीय लोगों को भड़काया, अधिकारियों पर हमला जवाबी प्रक्रिया। नॉर्थ 24 परगना में ईडी पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस का ममता सरकार पर हमला, कहा ईडी के अधिकारियों से साबित होता है राज्य में कोई कानून व्यवस्था है। आईएनएलडी नेता दिलबाग सिंह के खिलाफ ईडी का एक्शन, घर से 5 करोड़ कैश, सोना जब्त, विदेशी हथियार, 300 जिंदा कारतूस भी बरामद। लैंडफुट जॉब के मामले में ईडी ने आज जो तेजस्वी को बुलाया, सूत्रों के मुताबिक ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तेजस्वी, 22 दिसंबर को भी नहीं हुए थे पेश। मानहानि केस में तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, गुजरात में चल रहे मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भेजा जा सकता है पूछताछ के लिए 4वां समन। दिल्ली दवा घोटाले के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, एमएचए ने एलजी की सिफारिश पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन के दौरे पर जाएंगे राजस्थान, जयपुर में डीजीपी सम्मेलन में शामिल होंगे, बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं के साथ बात करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले जयपुर बीजेपी दफ्तर सज धज कर तैयार, एयरपोर्ट से लेकर कार्यालय तक लगाए गए बीजेपी के झंडे। आज हिमाचल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सोलन में किया रोड शो, लोगों ने बरसाए फूल, शिमला में बीजेपी की बैठक को करेंगे संबोधित। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की गठबंधन समिति ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, जल्द ही शुरू होगा सीट बंटवारे का काम, नीतीश को बनाया जा सकता है गठबंधन का संयोजक। नीतीश के संयोजक बनने की खबरों का उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने किया समर्थन, कहा नीतीश कुमार को लेकर सभी की राय सकारात्मक। बीजेपी के नेता सुशील मोदी का दावा, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ब्लैकमेल करके बनने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, इंडिया गठबंधन का न वर्तमान है न भविष्य, ये टूटा फूटा गठबंधन है, 400 के पार सीट का दावा किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा, 14 जनवरी से शुरू होगी मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा। हिमाचल के सोलन पहुंचे जेपी नड्डा का राहुल की यात्रा पर तंज, कहा राहुल गांधी की ये भारत तोड़ो यात्रा। AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल नेहरू परिवार से हैं, वो जहां पर जाएंगे वहां पर भीड़ उन्हें देखने आएगी लेकिन वोट नहीं देगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर एक बार राज्यसभा सांसद प्रत्याशी होंगे संजय सिंह, 19 जनवरी को राज्यसभा का चुनाव, 10 जनवरी है नॉमिनेशन की लास्ट डेट। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किया, इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 18 जनवरी से शुरू होगी, सबसे पहले मूर्ति के साथ नगर भ्रमण होगा, सभी ब्राह्मणों को दी जाएगी जिम्मेदारी। राम जन्मभूमि प्रबंधन समिति के सदस्य शरद शर्मा बोले, मंदिर के अंदर सिर्फ सिंह द्वार से ही होगा प्रवेश, प्रसाद या चढ़ावा ले जाने की इजाजत नहीं होगी। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को लेकर मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिषी ज्ञानेश्वर शास्त्री का बयान, मुहूर्त का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज भी 3 भजन को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, गायक जुबिन नौटियाल, पायल देव और मनोज मुंतशिर की तारीफ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कहा भगवान राम राजनीति का विषय नहीं, धर्म से राजनीति चलती है और राजनीति से धर्म नहीं चलता। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा वार, कहा प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी दुर्घटना करवा सकता है विपक्ष। मथुरा में शाही ईदगाह को श्रीकृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना किया, पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना किया। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, यूपी और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। महाराष्ट्र में आज होगी दाऊद इब्राहिम की कई संपत्तियों की नीलामी, कुछ साल पहले बंगले और आम के बागों को जब्त किया था। पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन मोहाली में, बब्बर खालसा के 2 आतंकी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पाकिस्तान से स्मगल किए गए 4 पिस्टल भी रिकवर। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के अस्पताल पर चला बुलडोजर, दिसंबर में अथॉरिटी ने किया था सील। सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद उपाध्याय ढेर, टॉप 61 माफिया की लिस्ट में शामिल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 7 किलो सोना जब्त किया, श्रीलंका से तस्करी करके रामेश्वरम लाया गया था सोना।
पंजाब के लुधियाना में जेल में जश्न मनाने का वीडियो वायरल, वीडियो सामने आने के बाद एक्शन में जेल प्रशासन। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जारी, शीतलहर के बीच जवानों का जोश हाई, पहली बार 144 दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी खुद के बैंड के साथ परेड में लेगी हिस्सा। हिमाचल में सर्द मौसम के बीच शुरू हुआ कुल्लू मनाली में विंटर कार्निवल, लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों पर पहुंचे सैलानी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, 12 डिग्री दर्ज किया गया अधिकतम तापमान, कंपकपाती सर्दी में बढ़ी लोगों की मुश्किलें। ठंड को लेकर दिल्ली में मौसम विभाग का अनुमान, अभी और गिर सकता है तापमान, 7 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद, 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी।